हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विश्वा केमिस्ट। अपना टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसके अंदर का आज के लेक्चर का कंसेप्ट है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब ये एटॉमिक मॉडल जो है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल है टू एक्सप्लेन द एटम। पहले अपन ने लास्ट वीडियो में देखा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, अब ये दूसरा है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब ये क्या है उसके लिए रदरफोर्ड ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्या क्या? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर क्या क्या किया हुआ है रदरफोर्ड ने, आराम से सुनना। ये है लीड बॉक्स, मतलब पीवी बॉक्स। इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल सब्सटेंस लिया हुआ है जो सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा रेज। और अल्फा रेज का सोर्स है कौन? ये सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, इसमें से अल्फा रेज पास होके इस प्लेट के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं और ये जो प्लेट है ये थीन गोल्ड फॉइल है। क्या क्या? थीन गोल्ड फॉइल है जिसका थिकनेस है 100 नैनोमीटर, बहुत ही पतला ऐसा गोल्ड फॉइल है। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसको ग्लास स्लिट बोलते हैं। इसका रोल ऐसा है कि यहाँ पर जो रेज पास हो रहे हैं, छोटा सा ओपनिंग होने की वजह से मैक्सिमम रेज स्ट्रेट जाएंगे, लेकिन अगर कुछ रेज ऐसे फ्लक्चुएट हुए तो फ्लक्चुएटल रेज को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? ये ग्लास स्लिट। मतलब ग्लास स्लिट के आगे जो भी रेज जाएंगे वो स्ट्रेट लाइन जाएंगे, विदाउट एनी फ्लक्चुएशन इंसिडेंट होंगे किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब इससे क्या ऑब्जर्व हुआ, मेन पॉइंट जो है इधर ऑब्जर्वेशन का, क्या क्या ऑब्जर्व हुआ? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पास्ट विदाउट डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, सीधा पास होगा। कौन? मोस्ट ऑफ अल्फा रेज, मतलब मैक्सिमम रेज सीधे जाएंगे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब इधर आके ऐसे इंसिडेंट होंगे, कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं बताएंगे। सेकंड पॉइंट, फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। बहुत कम रेज डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, अपना पाथ चेंज कर देंगे, कहाँ से? स्ट्रेट लाइन से, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं जाएंगे, फ्लक्चुएट होंगे लाइक दैट, जैसे इधर जाएंगे या इधर आएंगे ऐसे। बहुत कम है, फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। एंड आखिरी ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री। बहुत कम रेज, वेरी फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड इन एंगल ऑफ 180 डिग्री। एग्जैक्टली अगर अपन कहेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वन रे आउट ऑफ 20,000 रेज। क्या क्या? 20,000 रेज में से सिर्फ एक रेज डिफ्लेक्ट होगा इन एंगल ऑफ कितना? 180 डिग्री, मतलब वापस आ रहा है वो। ओके, ये हुआ एक्सपेरिमेंट और ये हुआ ऑब्जर्वेशन। दिमाग में रखना, गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किया, ओके, और मैक्सिमम रेज स्ट्रेट गए, फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड हुए
from the mean path, from a straight line, okay, and very few rays deflected by angle of 180 degree, मतलब बाउंस बैक हो गया, वापस आ गए, कितने रेज, वन रे आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से सिर्फ एक। अब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट तो हो गया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से क्या हासिल हुआ, क्या पता चला, किसको, रदरफोर्ड को, यह अपन देखेंगे अंडर द हेडिंग कंक्लूजन, क्या पता चला, ओके तो ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, मोस्ट ऑफ द रेज स्ट्रेट लाइन गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, रेज कौन से थे, अल्फा, अल्फा रेज पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रेज विदाउट डिफ्लेक्शन चले गए, इसका मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होगा, क्या होगा, बहुत कम, तो इससे इसने ये कंसिडर किया कि समझ लीजिए ये सेंट्रली लोकेटेड छोटा सा पोर्शन होगा दैट इज न्यूक्लियस, और इसके अराउंड सेल होंगे, ऑर्बिट होंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे होंगे, मतलब क्या, उसने ये कहा कि समझो यहाँ से रेत पास हो रहा है तो ऐसा सीधा जाएगा ना, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन यहाँ से अगर पास हो गया तो इस रिपल्शन की वजह से क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन बताएगा कि नहीं, अनिदर डिफ्लेक्शन बहुत कम है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन, पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन और रीजन इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा, कौन, पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन एटम के अंदर, क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज था और अल्फा पार्टिकल ज्यादा स्ट्रेच जा रहा था, मतलब उसे कोई रोकने वाला नहीं, जब रोकेगा कोई तभी तो डिफ्लेक्शन होगा ना, लेकिन डिफ्लेक्शन कम है मतलब रोकने वाला कम है, मतलब पॉजिटिव कम है, इसीलिए वो बहुत ही स्मॉल रीजन में कौन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, ओके, एंड बाकी का पार्ट, ओके, मोस्ट ऑफ द पार्ट, मोस्ट ऑफ रीजन इज empty और negatively charge, बहुत ज़्यादा portion क्या होगा, एक तो empty होगा नहीं तो negatively charge होगा, क्यों ऐसा, क्योंकि ये positive है ना, ये इधर जा रहा है मतलब इधर इसको किसी ने रोका नहीं, क्योंकि अपन ने क्या कहा, most of the alpha rays pass in a straight line, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है ना उसे, मतलब एक तो एम्प्टी होगा नहीं तो निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव तो पॉजिटिव को रोक नहीं सकता, कौन रोक सकता है पॉजिटिव को, पॉजिटिव, क्योंकि सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन, ये अपने को दिमाग में रखने का है, ओके हा? और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसका ऐसा है कि ये जो डिफ्लेक्शन था अल्फा रेज का, ये बहुत 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 कम था, इसलिए उसने कहा साइज ऑफ न्यूक्लियस is negligibly small compared to size of atom. एटम के साइज के कंपेयर में न्यूक्लियस का साइज निग्लिजिबली स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, निग्लेक्टेड पार्ट है. अगर अपन एटम का साइज देखेंगे, साइज ऑफ एटम, तो ये होता है 10^-10 मीटर. वही साइज ऑफ न्यूक्लियस अगर आप देखेंगे तो वो होता है 10^-15 मीटर. तो इसे अपने को दिमाग में रखने का कि एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस का साइज बहुत कम है, ओके तो ध्यान देना, जो ऑब्जर्वेशन से उससे अपन ने कंक्लूजन निकाला, अब इस कंक्लूजन से देखेंगे कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स कैसे दिए, ओके मतलब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. अपन ने पहले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन. अब रदरफोर्ड ने इससे एटॉमिक मॉडल क्या दिया, देखो
तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम. ओके, पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम. दैट सेंटर इज कॉल्ड एज क्या? न्यूक्लियस. उस सेंटर को चपुन बोलते हैं. क्या बेटा? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से टर्म इंट्रोड्यूस किया किसने? रदरफोर्ड ने. पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज टोटली कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सेंटर ऑफ एटम एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड एज क्या बेटा? न्यूक्लियस. दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट. क्या कहा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज अ ऑर्बिट विथ अ वेरी हाई स्पीड. बहुत हाइयर स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे अराउंड द न्यूक्लियस. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज एंड मास एटम के सेंटर में कॉन्सेंट्रेट है उसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. तीसरा और आखिरी पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बाय मतलब अट्रैक्ट बाय न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से वो दोनों अट्रैक्ट हुए. कौन कौन? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. तो इस हिसाब से खत्म हुआ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. तीन ही मेन पॉइंट है, सेंट्रली लोकेटेड पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस, उसके अराउंड घूम रहा है इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज अ ऑर्बिट, एंड दैट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर अट्रैक्टेड ईच अदर बाय अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब आखिरी पॉइंट, दैट इज ड्रॉबैक क्या है? देखो इसके दो ड्रॉबैक हैं, थ्योरेटिकल है, मैं एक्सप्लेन करूंगा. फिजिक्स के अंदर एक थ्योरी है मैक्सवेल ने दिया हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन. थ्योरी ऐसा बताता है जब चार्ज पार्टिकल रोटेट होता है अराउंड अनदर चार्ज इट रिक्वायर्ड सम एनर्जी, दैट मींस इट्स एनर्जी डिक्रीजेस. अगर उसका एनर्जी कम हो गया तो उसका ऑर्बिट श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ऐसा कुछ. ये न्यूक्लियस है. अब इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है इस ऑर्बिट में, तो घूमने के लिए एनर्जी चाहिए ना, इसलिए हर रोटेशन के बाद इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के नजदीक आएगा ऐसा है ना. अगर ऐसा आ गया तो डिस्टेंस कम होते जाएगा ना, तो ऑर्बिट छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, एंड फाइनली ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किधर? न्यूक्लियस के अंदर. ऐसा नजदीक आते जाएगा. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, एंड थ्योरेटिकली ये प्रूव हुआ है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाने के लिए सिर्फ 10^-8 सेकंड लगते हैं. कितने? 10^-8 सेकंड. इतने कम टाइम में वो न्यूक्लियस में चला जाता है. एंड अगर ऐसा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं न्यूक्लियस में मिलेगा. इसीलिए अपने को दिमाग में ये रखना है कि मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रेडिएशन उससे ये प्रूव नहीं होता. ओके,
और दूसरा ये है, रदरफोर्ड डज नॉट गिव एनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हम आज के लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी जिक्र नहीं किया था। ओके, तो इस हिसाब से खत्म रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।